हेलो एवरीवन, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के बारे में, जिसको मलेरियल पैरासाइट भी कहा जाता है। इसके लाइफ साइकिल के बारे में हम ज़्यादा फोकस करेंगे, इसके अलावा कुछ इसके करेक्टर्स भी हम देख लेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें प्लाज्मोडियम वाइवेक्स की, तो ये एक एंडो पैरासाइट यानी कि अंतः परजीवी होता है, यानी कि अंतः यानी कि अंदर, बॉडी के अंदर रहेगा, और पैरासाइट यानी कि किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर ही हैबिटेट करेगा। तो ये अंतः परजीवी होते हैं, यानी कि दूसरे की बॉडी के ऊपर, ये दूसरे की बॉडी के अंदर ये रहते हैं, और ये होस्ट स्पेसिफिक होते हैं, यानी ये जो होते हैं, एक जो इनका परपोसी होता है, जो इनका होस्ट होता है, जिसके ऊपर ये डिपेंडेंट होते हैं, उसकी उसके लिए स्पेसिफिसिटी शो करते हैं। अब अगर हम बात करें कि जो ये प्लाज्मोडियम है, प्लाज्मोडियम की लगभग 60 स्पीसीज पाई जाती है। अब 60 स्पीसीज में से जो क्या करती हैं, मलेरिया कोज करती हैं अलग अलग ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स के अंदर। जैसे अगर हम बात करें, ये रेप्टाइल्स के अंदर कोज करती हैं, इसके अलावा ये बर्ड्स के अंदर कोज करते हैं, मैमल्स के अंदर कोज करते हैं, और इंक्लूडिंग ह्यूमन के अंदर भी ये मलेरिया कोज करते हैं, मैन के अंदर भी ये मलेरिया कोज करते हैं। अब अगर हम मैमल्स की बात करें, कि मैमल्स के अंदर जैसे कि हमने ले लिया कि मंकी हो गए यहाँ पे, और मैमल्स के अंदर ह्यूमन भी इंक्लूड होगा, तो ऐसा नहीं है कि जो मंकी के लिए स्पेसिफिक एक पैरासाइट होगा वो ह्यूमन को भी इन्फेक्ट कर सकता है, और सेम ऐसे ही होगा, जो ह्यूमन के लिए पैरासाइट है वो मंकी को इफेक्ट नहीं करेगा। यानी कि ये बहुत ज़्यादा अपने होस्ट के लिए, अपने परपोसी के लिए विशिष्ट होते हैं, स्पेसिफिक होते हैं, ये सिर्फ एक स्पेसिफिक होस्ट को ही क्या करते हैं, एक स्पेसिफिक स्पीसीज इन्फेक्ट करती है। अब इन 60 स्पीसीज में से 4 स्पीसीज ऐसी होती है जो कि ह्यूमंस के अंदर मलेरिया कोज करती है। इनके अंदर होती है प्लाज्मोडियम फासीपैरम, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, जिसके बारे में हम आज की वीडियो में इसकी लाइफ साइकिल के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा प्लाज्मोडियम ओवेल एंड प्लाज्मोडियम मलेरी। तो ये जो 4 स्पीसीज है, ये क्या करती है, ये ह्यूमन के अंदर मलेरिया कोज करती है, और ये अलग अलग रीजन्स के अंदर अलग अलग टाइप से मलेरिया कोज करती है। अब अगर हम बात करें यहाँ पे वाइवेक्स, जो कि इंडिया के अंदर मलेरिया कोज करता है ह्यूमंस के अंदर, तो ये अलग अलग रीजन्स के अंदर पाई जाने वाली स्पीसीज है। इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे नेक्स्ट, जो ये प्लाज्मोडियम है, इसकी लाइफ साइकिल डाइजेनेटिक होती है, द्विपोषदीय होती है। द्वि यानी कि दो, एंड पोषदीय यानी कि होस्ट। इसको अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए दो होस्ट की रिक्वायरमेंट होती है। इन दो होस्ट में से एक को हम बोलते हैं प्राथमिक या फिर निश्चित या फिर प्रमुख होस्ट, और एक को हम बोलते हैं द्वितीयक और मध्यवर्ती होस्ट, यानी इंटरमीडिएट होस्ट। तो यहाँ पे जो प्राथमिक, निश्चित और प्रिंसिपल होस्ट होगा वो होती है फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो। जो मादा एनोफिलीज मच्छर होती है वो इसका प्राइमरी होस्ट होता है। सेकेंडरी की अगर हम बात करें या फिर इंटरमीडिएट की बात करें, तो ये मैन होता है, मनुष्य होता है। अब अगर हम देखें यहाँ पे मेडिकली, अगर हम देखें मेडिकली क्या होता है कि जो प्राइमरी होस्ट है, ठीक है, जो अगर हम बात करें डाइजेनेटिक नेचर के अंदर, जो प्राइमरी होस्ट है एंड जो सेकेंडरी होस्ट है, प्राइमरी होस्ट बोला जाता है यहाँ पे मैन को, एंड सेकेंडरी होस्ट बोला जाता है यहाँ पे मॉस्किटो को, यानी कि फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो को, क्योंकि एक्चुअल में मलेरिया मैन के अंदर कोज हो रहा है। इसके अलावा जो हार्मफुल इफेक्ट है वो भी मैन के अंदर जाता है यहाँ पे, इसलिए मेडिकली इसको प्राइमरी होस्ट बोला जाता है मैन को, अदरवाइज इसको सेकेंडरी होस्ट बोला जाता है। प्राइमरी होस्ट यहाँ पे होती है फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो। अभी जो फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो है, ये यहाँ पे एक्ट करती है एज अ वेक्टर होस्ट, या फिर इसको कैरियर होस्ट, वाहक होस्ट इसको बोला जाता है। यानी कि ये सिर्फ क्या करती है, इन पैरासाइट्स को लेके जाने का काम करती है। इसके अंदर कोई यहाँ पे मलेरिया कोज नहीं होगा, सिर्फ ये लेके जाएगी। इन मलेरिया किसके अंदर कोज होगा, मलेरिया कोज होगा मनुष्य के अंदर। अब नेक्स्ट इसकी आती है, इसकी हैबिट्स एंड हैबिटेट के बारे में।
तो हमने पहले ही देख लिया ये एक एंडो पैरासाइट होता है, ठीक है। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स एक एंडो पैरासाइट होता है, और एंडो पैरासाइट है तो ये कहाँ रहेगा, ये होस्ट के अंदर रहेगा। तो ये मैन के अंदर पाया जाता है आरबीसीज यानी रेड ब्लड कॉर्पसेस, और इसके अलावा यकृत यानी लीवर की पैरेन्काइमल कोशिकाएं, लीवर की पैरेन्काइमल सेल्स के अंदर और में इंट्रा सेलुलर पाया जाता है, ठीक है। तो ये जो मैन है उसके अंदर तो पाया जाता है आरबीसीज और लीवर की पैरेन्काइमल सेल्स के अंदर। और अगर हम बात करें यहाँ पे मादा एनोफिलीज मॉस्किटो की, तो इसके अंदर इसकी जो आहार नलिका है, इसकी जो एलिमेंट्री केनाल है, एंड इसकी जो लार ग्रंथि है, आहार नलिका यानी कि एलिमेंट्री केनाल और लार ग्रंथि यानी कि इसकी सेलिवरी ग्लैंड, सेलेवरी ग्लैंड, तो इन जगह पे यहाँ पे ये फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो के अंदर पाया जाता है। तो ये एक एंडो पैरासाइट है, मैन के अंदर तो ये आरबीसीज और लीवर की पैरेन्काइमल सेल्स के अंदर पाया जाएगा, एंड मादा एनोफिलीज मच्छर के अंदर ये आहार नलिका और उसकी लार ग्रंथियों के अंदर पाया जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करेंगे इसकी लाइफ साइकिल की, जो कि इम्पोर्टेंट है। लाइफ साइकिल इसकी तीन फेजेस के अंदर चलती है। तीन फेज में से सबसे फर्स्ट होता है यहाँ पे सीजोगोनी, सेकंड होता है गैमोगोनी, एंड थर्ड होता है स्पोरोगोनी। तो इन तीन फेजेस के थ्रू इसकी लाइफ साइकिल चलती है। इनको हम वन बाय वन डिटेल में डिस्कस करेंगे इनके डायग्राम्स एंड फ्लो डायग्राम की हेल्प से। तो सीजोगोनी के अंदर फर्दर दो फेज आते हैं, एक होता है एग्जोरिथ्रोसिटिक चरण और सेकंड होता है इरिथ्रोसिटिक चरण। एग्जो यानी कि यहाँ पे, और इरिथ्रो जो ये वर्ड है इरिथ्रोसिटिक, ये वर्ड आता है आरबीसीज के लिए, इरिथ्रोसाइट्स के लिए, जिनको आरबीसीज रेड ब्लड कॉर्पसल्स बोला जाता है। तो एक्सो इरिथ्रोसिटिक यानी कि ये आरबीसीज के बाहर होता है, एंड इरिथ्रोसिटिक यानी कि ये आरबीसीज के अंदर होता है। तो एक्सो इरिथ्रोसिटिक फेज के अंदर यहाँ पे फर्दर दो फेज आते हैं, एक होता है प्री इरिथ्रोसिटिक फेज एंड सेकंड होता है पोस्ट इरिथ्रोसिटिक फेज। और इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे होता है इरिथ्रोसिटिक फेज, जिसके अंदर अलग अलग स्टेजेस बनती है। ये जो पैरासाइट है ये फीड करेगा एंड अपनी शेप चेंज करता जाएगा, एंड उसी की वजह से इसके अलग अलग नाम पड़ते जाएंगे, जैसे कि ट्रोफोजोइट स्टेज होगी, सिग्नेट रिंग स्टेज होगी, अमीबॉइड स्टेज होगी, स्काइजोंट ये बनेगा, रोजेट स्टेज होगी। तो ये डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस यहाँ पे बनेगी। फिर ये एंटर करेगा गैमोगोनी के अंदर, एंड ये जो फेज है ये सारे के सारे ह्यूमन यानी मनुष्य यानी मैन के अंदर चल रही है। सेकंड होता है गैमोगोनी। गैमोगोनी स्टार्ट तो मैन के अंदर होता है, मैन के अंदर स्टार्ट मैन के अंदर होता है, एंड एंड खत्म होता है मॉस्किटो के अंदर, फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो के अंदर। तो इसके अंदर यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले यहाँ पे गैमोन्स और गैमेटोसाइट्स बनते हैं। जो भी स्टेज यहाँ से आएगी वो क्या करेगी, गैमोन्स और गैमेटोसाइट्स बनाएगी। गैमोन्स और गैमेटोसाइट्स एक टाइप से सेक्सुअल सेल्स होती है, जो कि दो टाइप की होंगी, गैमेटोसाइट्स एंड मैक्रोगैमेटोसाइट्स। अब इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे जो फेज आएगा वो होगा गैमेटोजेनेसिस, यानी कि ये जो है ये आधी अधूरी फॉर्मेशन गैमोन्स की हो जाती है मैन के अंदर। इसके बाद ये एंटर करता है मॉस्किटो के अंदर, फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो के अंदर। वहाँ पे गैमेटोजेनेसिस यानी युग्मक जनन होता है, यानी कि गैमीट्स की फॉर्मेशन होती है। इसके बाद निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन होता है, एंड एक स्पेशल ऊकाइनेट की यहाँ पे फॉर्मेशन होती है, एक स्टेज होती है ऊकाइनेट, तो ऊकाइनेट की यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाती है। इसके बाद ये एंटर करता है थर्ड फेज यानी कि स्पोरोगोनी के अंदर। ये भी फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो के अंदर ही चलता है। इसके अंदर एसेक्सुअल मल्टीप्लीकेशन होती है, जिसको स्पोरोगोनी बोला जाता है। तो ये तीन फेजेस के थ्रू यहाँ पे क्या चलेगी, ये लाइफ साइकिल चलेगी। अब यहाँ पे ये जो हमने तीन फेज की बात की है, सबसे पहला स्काइजोगोनी, ये जो फेज होता है ये ग्रोथ का यानी वृद्धि का और एलैंगिक गुणन यानी एसेक्सुअल मल्टीप्लीकेशन का एक चरण होता है, जो मनुष्य के अंदर होता है। गैमोगोनी ये एक सेक्सुअल मल्टीप्लीकेशन का चरण होता है, जो कि मनुष्य में तो शुरू होता है लेकिन मॉस्किटो में पूरा होता है, यानी मनुष्य के अंदर इसको ऐसी फेवरेबल कंडीशंस नहीं मिल पाती है, जिसकी वजह से ये आगे ग्रो नहीं कर पाता है, इस वजह से मॉस्किटो के अंदर ये चला जाता है। एंड मॉस्किटो से नेक्स्ट यहाँ पे स्पोरोगोनी होती है, जिसके अंदर एसेक्सुअल मल्टीप्लीकेशन का चरण होता है, जो कि मॉस्किटो के अंदर ही होता है। तो ये तीन फेजेस जो है लाइफ साइकिल के अंदर चलते हैं।
तो सबसे फर्स्ट फेज यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे सीजोगोनी के बारे में। सीजोगोनी के अंदर हमने देख लिया कि यहाँ पे एसेक्सुअल मल्टीप्लिकेशन का ये चरण होता है जो कि मेन के अंदर होता है और इसके अंदर वृद्धि भी होती है, ग्रोथ भी होती है। तो इस सीजोगोनी के अंदर अब क्या होगा, जो भी पैरासाइट है, जो भी परजीवी है, वो लीवर सेल्स एंड जो रेड ब्लड सेल्स है उनको, रेड ब्लड कॉर्पसल्स है उनको इन्फेक्ट करेगा और अपना नंबर बढ़ा लेगा रिप्रोड्यूस करके एंड ए सेक्सुअली मल्टीप्लाई करके, ए लैगिंग गुणन करके। अब ये नंबर बढ़ा के ये बन जाते हैं मीरोजोइट्स, यानी ये जो स्टेज यहाँ पे एंटर की थी ये मीरोजोइट के अंदर बन जाती है। अब ऐसा तो नहीं है कि ये कोई ऐसे ही हम बोल रहे हैं कि स्टेज, अब इस स्टेज का भी एक नाम होता है, स्टेज का नाम होता है स्पोरोजोइट। तो ये जो स्पोरोजोइट है फर्स्ट स्टेज में मीरोजोइट के अंदर बनेंगे। अब स्पोरोजोइट क्या होते हैं ये भी हम डिस्कस करेंगे आगे। तो स्पोरोजोइट क्या कर रहे हैं, एंटर कर रहे हैं, लीवर सेल्स को इन्फेक्ट कर रहे हैं, आरबीसीज को इन्फेक्ट कर रहे हैं, एसेक्सुअली मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मीरोजोइट्स के अंदर बन जा रहे हैं, मीरोजोइट्स के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। अब ये जो सीजोगोनी है ये दो फेजेस के अंदर हमने देखी थी, एक होता है यहाँ पे एक्सो एरिथ्रोसिटिक चरण और सेकंड होता है एरिथ्रोसिटिक चरण। तो इनको हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे वन बाय वन। तो सबसे फर्स्ट है एक्सो एरिथ्रोसिटिक फेज एंड ये लीवर के अंदर होता है, लीवर सेल्स के अंदर, लीवर सेल्स के अंदर जो पैरेन्काइमेटल सेल्स हैं उनके अंदर होता है। इस वजह से इसको हिपेटिक सीजोगोनी भी बोला जाता है, हिपेटिक वर्ड लीवर के लिए आता है। तो एक्सो एरिथ्रोसिटिक चरण या फिर इसको हिपेटिक सीजोगोनी बोला जाता है। इसके अंदर क्या क्या होगा, अब सबसे फर्स्ट तो जो हमने बोला था कि जो पैरासाइट आएगा जो कि लीवर सेल्स और आरबीसीज को इन्फेक्ट करेगा उसका क्या होगा, यहाँ पे उसका संरोपण होगा यानी कि इनोकुलेशन होगा, फिर वो इन्फेक्शन यानी संक्रमण कोज करेगा और फिर ये जो एंटर की थी जो पैरासाइट की स्टेज वो थी स्पोरोजोइट। हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे और फिर इसके अंदर मल्टीप्लीकेशन होती है लीवर सेल्स के अंदर, ये हम देखेंगे, जो कि दो फर्दर दो फेजेस के थ्रू होती है। एक होता है प्री इरिथ्रोसिटिक फेज एंड एक होता है पोस्ट इरिथ्रोसिटिक फेज, यानी एक तो इरिथ्रोसाइट्स के अंदर एंटर करने से पहले और एक उनके एंटर करने के बाद। ये क्यों इसको पोस्ट इरिथ्रोसिटिक फेज बोला जाता है ये भी हम देखेंगे। तो ये तीन स्टेजेस यहाँ पे आएगी एक्सो इरिथ्रोसिटिक फेज या फिर हिपेटिक सीजोगोनी के अंदर। तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे क्या होगा, इनोकुलेशन यानी संरोपण होगा और संक्रमण यानी कि इन्फेक्शन यहाँ पे होगा। तो अभी हमने बात की थी कि एक स्टेज होती है जिसको स्पोरोजोइट बोला जाता है, ये स्पोरोजोइट एक इस इन्फेक्शन की या फिर इस पैरासाइट की, इस परजीवी की संक्रामक प्रावस्था यानी इन्फेक्टिव स्टेज होती है। इन्फेक्टिव स्टेज ये क्या करेगी, अब ये एंटर करेगी ह्यूमन के अंदर, ठीक है। तो स्पोरोजोइट क्या होते हैं, फर्स्टली ये इन्फेक्टिव स्टेज होती है इस पैरासाइट की। अब यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले जो संक्रामक मादा एनोफ्लीज मॉस्किटो है, अब ऐसा नहीं कि मॉस्किटो तो और भी काट सकते हैं लेकिन जो पहले से ही इन्फेक्टिव है वही क्या कर सकती है, वही यहाँ पे स्पोरोजोइट को इंट्रोड्यूस करवा सकती है। तो ये जो संक्रामक एनोफ्लीज मॉस्किटो है ये मनुष्य से रक्त लेने के लिए उसको काटती है, उसको बाइट करती है। इसके साथ ही इसके अंदर स्पेशल टाइप के माउथ पार्ट्स पाए जाते हैं। अब ये जो है ये एक मॉस्किटो है, मॉस्किटो के अंदर एक मॉस्किटो एक इंसेक्ट है, इंसेक्ट के अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के माउथ पार्ट्स पाए जाते हैं या फिर इनके मुखांग पाए जाते हैं। तो इसके अंदर यहाँ पे हम देखें ये वाला जो दिखाई दे रहा है ये क्या है, इसकी प्रोबॉक्सिस होती है जिससे ये ब्लड को इनटेक करती है। अब यहाँ पे ये जो फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो है इसके पास कुछ छेदने और चूसने वाले मुखांग होते हैं, यानी कि पायरसिंग एंड सकिंग टाइप के माउथ पार्ट्स पाए जाते हैं। इनकी मदद से ही क्या करती है, पहले तो ये छेद करती है, पायर्स करती है एंड फिर ये सक करती है ब्लड को। अब ये ब्लड जो है अब एनवायरमेंट के कॉन्टेक्ट में आते ही ये क्लोट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसकी क्लोटिंग ना हो उसके लिए ये जो फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो है ये क्या करती है, अपना कुछ जो स्लाइवा है इसकी जो लार है वो क्या कर देती है, रक्त के अंदर इंजेक्ट करवाती है। अब इस लार के अंदर बहुत सारे हजारों स्पोरोजोइड्स होते हैं जो कि रक्त के अंदर पहुंच जाते हैं,
जो भी ब्लड है ह्यूमन का उसके अंदर पहुंच जाएंगे। ये तो अपना काम कर रही थी, ये क्या कर रही थी, ब्लड लेने के लिए इसने ह्यूमन को बाइट किया था। और इसके पास स्पेशल टाइप के माउथ पार्ट्स होते हैं, पायर्स एंड सक करने वाले, तो ब्लड को ये सक कर रही थी, ब्लड क्लोट ना हो जाए उसके लिए इसने क्या किया था, अपना स्लाइवा इंट्रोड्यूस करवाया था। इसके स्लाइवा के अंदर हजारों स्पोरोजोइड्स थे। अब उस स्लाइवा के साथ वो स्पोरोजोइड्स क्या चले गए, ब्लड के अंदर चले गए। तो ये तो हो गया इनोकुलेशन, यानी कि यहाँ पे इसने इसके अंदर यहाँ पे इनका संरोपण कर दिया है। इसके बाद इन्फेक्शन स्टार्ट होगा यहाँ पे, तो ये फर्स्ट स्टेज थी। अब इसके बाद ये जो स्पोरोजोइट जिनको इसने इंट्रोड्यूस करवाया है, वो उनका स्ट्रक्चर क्या होता है, तो ये एक स्पोरोजोइट है। स्पोरोजोइट के स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो स्पोरोजोइट में धुरे के आकार के, इनकी स्पिंडल शेप का ये होता है, थोड़ा सा स्लाइटली ये कर्व्ड होता है, और एक सिकल शेप का ये होता है, और इसके दोनों छोर पे क्या पाए जाते हैं, ऐसे दोनों एंड्स के ऊपर टेपर ये पाए जाते, पतले होते हैं। एक केंद्रीय, एक यूनिन्यूक्लिएट जीव ये होता है, एक ही न्यूक्लियस इसके अंदर पाया जाता है, ये इसके अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है। और इसके अंदर इसकी जो बॉडी है एक इलास्टिक पेलिकल से ढकी हुई होती है, जिसके इससे हिलने ढुलने की गति पर लॉन्गिट्यूडनल कॉन्ट्रैक्टाइल माइक्रोट्यूब्यूल्स यहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या पाए जाएंगे, कुछ लॉन्गिट्यूडनल कॉन्ट्रैक्टाइल माइक्रोट्यूब्यूल, यानी कि अनुदैर्ध्य संकुचनशील, जो कि कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं, एंड सूक्ष्म नलिका, यानी कि माइक्रोट्यूब्यूल्स यहाँ पे पाए जाते हैं, जो कि इसको क्या करने में, हिलने ढुलने में हेल्प करते हैं। इसका जो अग्र सिरा है, इसका जो एपिकल सिरा है, वहाँ पे माइक्रोपाइलर एक सिर स्टोपी यानी एपिकल एंड का अनुसरण करता है, यहाँ पे एक एपिकल एंड यहाँ पे पाया जाता है। इसके बाद इसके अंदर लंबे और पतले स्त्राविक अंग यानी कि सिक्रेटरी ऑर्गन्स की एक जोड़ी पाई जाती है, जो कि एपिकल कैप के अंदर खुलती है। यहाँ पे ये क्या करेंगी, एपिकल कैप के अंदर ये खुलती है सिक्रेटरी ऑर्गनल, ये है पेड सिक्रेटरी ऑर्गनल्स। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, केंद्र में स्थित न्यूक्लियोलस के साथ एक एकल वेसिकुलर केंद्र पाया जाता है। ठीक है, न्यूक्लियोलस होता है इसके अंदर, एंड ये क्या पाया जाता है, एक न्यूक्लियस पाया जाता है सेंटर के अंदर। ट्यूबुलर क्रिस्टे यहाँ पे पाए जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ट्यूबुलर क्रिस्टे यहाँ पे पाए जाते हैं, और स्कैटर टाइप का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसके अंदर देखने को मिलता है। तो ये स्ट्रक्चर्स होते हैं स्पोरोजोइट के अंदर, सबसे पहले तो एक स्पिंडल शेप की और थोड़ी घुमावदार, और एक सिकल शेप का आकार होता है, जो कि दोनों सिरों के ऊपर से क्या होता है, पतला होता है, टेपर होता है। यूनिन्यूक्लिएट ऑर्गेनिज्म ये होता है, इसके अलावा इसकी एक इसकी जो इसका इसकी जो बॉडी है वो पेलिकल से ढकी हुई होती है, और इसके जो अग्र सिरा है उसके ऊपर यहाँ पे एक एपिकल कैप पाई जाती है। एक पेयर पाया जाता है सिक्रेटरी ऑर्गेनल्स का, जो कि एपिकल कैप के अंदर खुलती हैं। सिंगल न्यूक्लियस पाया जाता है न्यूक्लियोलस के साथ, इसके अलावा क्रिस्टे ट्यूबुलर क्रिस्टे के साथ माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसके अंदर स्कैटर्ड टाइप का पाया जाता है। तो ये स्पोरोजोइट का स्ट्रक्चर हो गया। इसके बाद थर्ड हमने देखा था कि कैसे इनकी लीवर सेल्स के अंदर गुणन होगा, यानी कि मल्टीप्लिकेशन होगी लीवर सेल्स के अंदर। तो सबसे पहले हमने देख लिया कि यहाँ पे इनोकुलेशन यानी ये निवेशित या फिर इसका संरोपण हो गया, इतना हमने देख लिया था। इसके बाद जो स्पोरोजोइट है वो आधे घंटे तक ब्लड के अंदर, रक्त के अंदर सर्कुलेट करते हैं, वहीं पर घूमते रहते हैं रक्त के अंदर। और इसके बाद आधे घंटे के बाद ये जो पैरासाइट्स थे, यानी कि ये जो स्पोरोजोइट्स थे, वो क्या हो जाते हैं, अंतर्धान हो जाते हैं, यानी कि ये डिसअपियर हो जाते हैं ब्लड से, और ये प्रवेश कर जाते हैं लीवर सेल्स के अंदर। लीवर सेल्स के अंदर प्रवेश करते हैं तभी ये ब्लड से डिसअपियर हो जाते हैं, और फिर ये लीवर सेल्स के अंदर स्टार्ट करते हैं यकृत सीजोगोनी, यानी कि हिपेटिक सीजोगोनी ये स्टार्ट कर देते हैं। हमने देखा इनोकुलेशन कैसे हुआ, इनका संरोपण या फिर निवेशित कैसे हुए, उसके बाद ये ब्लड के अंदर रहे आधे घंटे तक, उसके बाद ये लीवर सेल्स के अंदर चले गए, एंड इन्होंने हिपेटिक सीजोगोनी स्टार्ट कर दी। अब हमने ये भी देखा था हिपेटिक सीजोगोनी जो है या फिर ये मल्टीप्लिकेशन हो रही है, ये दो फेजेस के अंदर होती है, एक होता है प्री इरिथ्रोसिटिक चरण और एक होता है पोस्ट इरिथ्रोसिटिक चरण। तो ये जो प्री इरिथ्रोसिटिक फेज है एक्सो इरिथ्रोसिटिक या फिर हिपेटिक सीजोगोनी का, तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट हम देखेंगे जो प्री इरिथ्रोसिटिक चरण चल रहा है। ये जो डायग्राम है ये है ए सेक्सुअल साइकिल इन मैन। इसके बाद ये जो यहाँ से ये
यहाँ पे दिखाई दे रहा है हमें, ये क्या है, ये है मॉस्किटो के अंदर, ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक इतनी चली है, ये क्या है, ये सारी की सारी यहाँ से यहाँ तक ये सारे की सारी है मैन के अंदर। सिर्फ ये जो सेक्सुअल फेज है ये किसके अंदर है, ये मॉस्किटो के अंदर है। अब हम बात करें यहाँ पे प्री इरिथ्रोसिटिक फेज की, तो प्री इरिथ्रोसिटिक फेज की अगर हम यहाँ पे बात करें तो इस डायग्राम के अंदर देखें तो यहाँ पे जो स्पोरोजोइट है, स्पोरोजोइट एंटर कर रहा है लीवर सेल के अंदर, एंड लीवर सेल के अंदर जब ये एंटर कर रहा है इसके बाद ये अलग अलग नाम इसके दिखाई दे रहे हैं हमें यहाँ पे, तो ये अलग अलग नाम के अंदर यानी कि ये ग्रो करेगा एंड अलग अलग स्टेजेस के अंदर ये कन्वर्ट होता रहेगा। तो वन बाई वन हम इन स्टेजेस की बात करेंगे। तो सबसे पहले स्पोरोजोइट हमने देख लिया था शिकल सेप का। अब ये स्पोरोजोइट जो है लीवर सेल्स के अंदर एंटर करेगा एंड वहां पे ये ईट करेगा एंड ये बन जाएगा क्रिप्टोजोइट। अब ये जो क्रिप्टोजोइट है नेक्स्ट यहाँ पे और ज्यादा राउंडेड हो जाएगा एंड ये बन जाएगा क्रिप्टोस्काइजोंट या फिर प्री इरिथ्रोसिटिक सीजोंट भी इसको बोला जाता है। फिर ये मल्टीपल फ्यूजन करके बहुत सारे क्रिप्टोमीरोजोइट्स बना लेगा और ये क्रिप्टोमीरोजोइट्स फिर ये मेटाक्रिप्टोजोइट्स बना लेगी और मेटाक्रिप्टोजोइट्स जो है नेक्स्ट मेटाक्रिप्टोसीजोंट बना लेंगे। ठीक है, यहाँ पे मेटाक्रिप्टोजोइट बने थे, ये मेटाक्रिप्टोजोइट बने, फिर ये बन गए यहाँ पे प्री इरिथ्रोसिटिक सीजोंट या फिर मेटाक्रिप्टोसीजोंट। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे ये बन जाते हैं मेटाक्रिप्टोमीरोजोइट्स। अब ये मेटाक्रिप्टोमीरोजोइट्स आगे जाके दो टाइप की सेल्स बनाते हैं, मैक्रो एंड माइक्रो मेटाक्रिप्टोमीरोजोइट। तो यहाँ तक की स्टेज हमारी है प्री इरिथ्रोसिटिक फेज। तो प्री इरिथ्रोसिटिक फेज के अंदर ये सारी स्टेजेस यहाँ पे चलेगी जो कि हमें याद करनी है। सबसे पहले स्पोरोजोइट था, स्पोरोजोइट से ही क्रिप्टोजोइट बना, क्रिप्टोजोइट से क्रिप्टोसीजोंट बना, क्रिप्टोसीजोंट से क्रिप्टोमीरोजोइट बना, क्रिप्टोमीरोजोइट से मेटाक्रिप्टोजोइट बना एंड मेटाक्रिप्टोजोइट से नेक्स्ट ही मेटाक्रिप्टोसीजोंट बना एंड उससे ये बना मेटाक्रिप्टोमीरोजोइट। अब ये जो मेटाक्रिप्टोमीरोजोइट है नेक्स्ट ये और सेल्स को इफेक्ट करेगा एंड हमने देखा था कि दो टाइप की सेल्स प्रोड्यूस करेगा, ये भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम इसका फ्लो चार्ट देखें, ये जो हमने स्टेजेस डिस्कस की है इसका फ्लो चार्ट देखें, ये होता है लीवर सेल्स के अंदर, ये हमने पहले ही देख लिया था कि लीवर सेल्स के अंदर होता है। तो लीवर सेल्स के अंदर यहाँ पे क्या होगा, जो भी स्पोरोजोइट थी वो स्पिंडल शेप की थी, हमने डिस्कस किया था स्पिंडल शेप की थी। अब ये जो स्पिंडल शेप की, इसके बाद ये नेक्स्ट बन जाएंगी क्रिप्टोजोइड जो कि स्फेरिकल इन शेप हो जाएंगी। ठीक है, पहले ही स्पिंडल शेप की थी ऐसी थी, ठीक है, पहले ही ऐसी थी, अभी बन गई ऐसे स्फेरिकल शेप की बन जाती है, इनको क्रिप्टोजोइड बोला जाता है। और ये क्रिप्टोजोइड अब आगे क्या करेंगी, आगे जो भी यहाँ पे साइटोप्लाज्म है उसके ऊपर ईट करेंगी। ठीक है, साइटोप्लाज्म है, कोशिका द्रव्य है, इसका भक्षण करेंगी और ग्रोथ शो करेंगी और इनको प्री इरिथ्रोसिटिक सीजोंट या फिर क्रिप्टोसीजोंट बोला जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेज यहाँ पे क्या आ जाएगी, प्री इरिथ्रोसिटिक सीजोंट या फिर क्रिप्टोसीजोंट इनको बोला जाएगा। और ये जो साइटोप्लाज्म की हम बात कर रहे हैं, ये हम बात कर रहे हैं लीवर सेल्स के अंदर, तो लीवर सेल्स का साइटोप्लाज्म के ऊपर ये फीड कर रही है। अब यहाँ पे ये जो प्री इरिथ्रोसिटिक सीजोंट या फिर क्रिप्टोसीजोंट है, इनका न्यूक्लियस जो है, इनका न्यूक्लियस डिवाइड करेगा अगले 8 to 9 days के अंदर। ठीक है, अगले 8 to 9 days के अंदर ये क्या करेगा, डिवाइड करेगा और ये मल्टी न्यूक्लियेट सीजोंट बना लेगा। मल्टी न्यूक्लियेट सीजोंट अब क्या करेगा, रप्चर होकर वॉल को रप्चर कर देगा, लीवर की वो सेल की वॉल को, और रिलीज हो जाएगा। रिलीज होने के बाद ये यूनि न्यूक्लियेट क्रिप्टोमीरोजोइट्स के अंदर रिलीज हो जाता है बड़ी संख्या में, अबाउट हम बोल सकते हैं कि 1000 तक इनकी संख्या होती है। तो ये क्रिप्टोमीरोजोइट बन जाते हैं नेक्स्ट, स्पोरोजोइट से क्रिप्टोजोइट, क्रिप्टोजोइट से क्रिप्टोसीजोंट एंड देन क्रिप्टोमीरोजोइट ही बन गए हैं। अब ये जो क्रिप्टोमीरोजोइट क्या करेंगे, नई लीवर सेल्स के अंदर एंट्री लेंगे, ये नई लीवर कोशिकाओं के अंदर प्रवेश करेंगे और फिर से जो हिपेटिक सीजोगोनी है उसको रिपीट करेंगे। जैसे यहाँ पे हमने देख लिया कि लीवर सेल, इसने एक लीवर सेल के अंदर एंटर किया और उसको डिस्ट्रॉय कर दिया कि उसको उसका साइटोप्लाज्म उसको उसका साइटोप्लाज्म ईट कर लिया, फिर उसको रप्चर कर लिया, उसकी वॉल को रप्चर कर दिया और फिर वहां से ये रिलीज हो गई क्रिप्टोमीरोजोइट। अब ये क्रिप्टोमीरोजोइट्स बड़ी संख्या में है, अब ये नई लीवर सेल्स को इन्फेक्ट करेंगे, उनके अंदर प्रवेश करेंगे और हिपेटिक सीजोगोनी को ये रिपीट करेंगे। तो यहाँ तक हमने देख लिया क्रिप्टोमीरोजोइट तक। अब ये जो क्रिप्टोमीरोजोइट है नेक्स्ट यहाँ पे क्या करेगा, नेक्स्ट ये नई लीवर
कोशिकाओं के अंदर प्रवेश करेगा। नई लीवर कोशिकाओं के अंदर प्रवेश करने के बाद इसको मेटाक्रिप्टोजोइट बोला जाता है, यानी कि वहां पे ये क्या करेगा, अपना ग्रो करेगा, और इसको मेटाक्रिप्टोजोइट बोला जाता है। अब ये जो मेटाक्रिप्टोजोइट है ये साइटोप्लाज्म के ऊपर ईट करेगा, जैसे हमने यहाँ पे देखा था, ठीक है, जैसे हमने लास्ट स्लाइड के अंदर देखा था, स्पोरोजोइट से जो क्रिप्टोजोइट बना था और फिर इसने कोशिका द्रव्य के ऊपर फीड किया था, वैसा ही यहाँ पे भी होता है। ठीक है, सेम यहाँ पे भी होगा कि यहाँ पे मेटाक्रिप्टोजोइट थे, मेटाक्रिप्टोजोइट ने क्या किया, इसके लीवर सेल्स के साइटोप्लाज्म के ऊपर ईट करना स्टार्ट कर दिया और ये वृद्धि करना स्टार्ट कर दिया इसने, और इसको अब मेटाक्रिप्टोसीजोंट बोला जाता है। अब ये जो मेटाक्रिप्टोसीजोंट है ये क्या करेगा, मल्टीपल फ्यूजन करेगा, बहुविखंडन करेगा, मल्टीपल फ्यूजन की वजह से बहुत सारे मेटाक्रिप्टोमीरोजोइट बन जाएंगे, बहुत सारे बनते हैं, न्यूमरस ये बनते हैं, बहुत सारे बन जाते हैं, न्यूमरस ही बन जाते हैं मेटाक्रिप्टोमीरोजोइट। अभी मेटाक्रिप्टोमीरोजोइट क्या करेंगे, ये प्रोड्यूस करते हैं दो टाइप की सेल्स को, इन दो टाइप की सेल्स को बोला जाता है माइक्रोमेटाक्रिप्टोमीरोजोइट एंड मैक्रोमेटाक्रिप्टोमीरोजोइट। नाम से ही पता चल रहा है, माइक्रो यानी कि छोटी होंगी, मैक्रो यानी कि बड़ी होंगी, तो माइक्रोमेटाक्रिप्टोमीरोजोइट एंड मैक्रोमेटाक्रिप्टोमीरोजोइट। अब ये जो दो टाइप की सेल्स हैं, ये लीवर जो सेल्स हैं वो फट जाएंगे, यानी इनका नंबर भी बढ़ता जा रहा है, तो लीवर सेल्स फट जाएंगे, यानी रप्चर हो जाएगी लीवर सेल्स की जो इसकी जो मेम्ब्रेन है, और ये रिलीज हो जाएंगी, और रिलीज होके अब ये नेक्स्ट क्या करेंगी, दो टाइप की सेल्स जो ये बनी थी ये रिलीज हो जाएंगी, और ये दो टाइप की सेल रिलीज होने के बाद नेक्स्ट ये क्या करेंगी, ये एंटर करेंगी इरिथ्रोसिटिक सीजोगोने के अंदर, इसके अलावा पोस्ट इरिथ्रोसिटिक फेज ऑफ एक्सो इरिथ्रोसिटिक सीजोगोने के अंदर। तो यहाँ तक हमने देख लिया, यहाँ से स्टार्ट हुआ था, यहाँ स्पोरोजोइट से स्टार्ट हुआ था, एंड स्पोरोजोइट से नेक्स्ट यहाँ पे ये बन गया है मेटाक्रिप्टोमीरोजोइट तक, यहाँ तक की स्टेजेस हमने देख ली है, एंड ये स्टेजेस थी प्री इरिथ्रोसिटिक फेज ऑफ एक्सो इरिथ्रोसिटिक सीजोगोनी, या तो हम बोल सकते हैं हिपेटिक सीजोगोनी। तो ये फर्स्ट फेज यहाँ पे हुआ, सेकेंड यहाँ पे आता है पोस्ट इरिथ्रोसिटिक फेज ऑफ एक्सो इरिथ्रोसिटिक सीजोगोनी। तो अब यहाँ पे नेक्स्ट क्या हुआ, जो हमने देखी थी कि जो दो टाइप की सेल्स थी, माइक्रोमेटाक्रिप्टोमीरोजोइट जो कि छोटी थी और मैक्रोमेटाक्रिप्टोमीरोजोइट जो कि बड़ी थी, अब ये सेल्स नेक्स्ट पोस्ट इरिथ्रोसिटिक सीजोगोनी इरिथ्रोसिटिक सीजोगोनी के अंदर एंटर करेंगे। तो यहाँ पे इस डायग्राम को और ज़्यादा हम यहाँ पे थोड़ा सा हाईलाइट करके देखें, तो यहाँ तक हमने स्टेजेस देख ली थी। अब नेक्स्ट यहाँ पे क्या होगा, जो ये मेटाक्रिप्टोमीरोजोइट है, इससे जो दो सेल्स बनी थी मैक्रोमेटाक्रिप्टोमीरोजोइट एंड माइक्रोमेटाक्रिप्टोमीरोजोइट, अब ये जो है नेक्स्ट एंटर करेंगी अलग अलग फेजेस के अंदर। तो सबसे पहले अगर हम देखें, दो टाइप की सेल्स थी उसमें से माइक्रोमेटाक्रिप्टोमीरोजोइट ये एंटर करती है जो यंग अपरिपक्व यानी कि यंग इमिच्योर आरबीसीज के अंदर, यंग इमिच्योर आरबीसीज के अंदर एंटर करेंगी। वहां पे एंटर करने के बाद ये स्टार्ट कर देती है इरिथ्रोसिटिक सीजोगोनी। ठीक है, जो दो टाइप की सेल्स बनी थी माइक्रोमेटाक्रिप्टोमीरोजोइट ने क्या कर दिया, इरिथ्रोसिटिक सीजोगोनी स्टार्ट कर दी। अभी नेक्स्ट यहाँ पे आता है जो मैक्रोमेटाक्रिप्टोमीरोजोइट थी, ये क्या कर रही है, ये नई लीवर सेल्स के अंदर प्रवेश करेगी, नई लीवर सेल्स के अंदर प्रवेश करने के बाद ये क्या करेगी, हिपेटिक सीजोगोनी को कंटिन्यू करेगी, क्योंकि इनको नंबर भी तो अपना बढ़ाना है, नंबर बढ़ा के ये क्या कर लेती है, ये एक रिजर्व स्टॉक बना लेती है, आरक्षित स्टॉक बना लेती है, अपना नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ा लेती है। अब यहाँ पे एक चीज देखने की है कि हमने यहाँ पे जो दो टाइप की सेल्स की बात करी थी, माइक्रो मेटाक्रिप्टोमीरोजोइट ने इरिथ्रोसिटिक सीजोगोनी पहले ही स्टार्ट कर दी थी, एंड जो मैक्रो मेटाक्रिप्टोमीरोजोइट है उसने क्या किया, उसने बाद में हिपेटिक सीजोगोनी यहाँ पे स्टार्ट की है, इसलिए इसको पोस्ट इरिथ्रोसिटिक फेज ऑफ हिपेटिक सीजोगोनी बोला जाता है, यानी कि पहले इरिथ्रोसिटिक फेज स्टार्ट हो गया था, उसके बाद के लिए हमने ये पोस्ट वर्ड लगाया है, तो पोस्ट इरिथ्रोसिटिक फेज ऑफ हिपेटिक सीजोगोनी, तो इसलिए इसको पोस्ट इरिथ्रोसिटिक फेज बोला जाता है, क्योंकि ये बाद में, पहले इरिथ्रोसिटिक फेज स्टार्ट हो जाता है एंड बाद में हिपेटिक सीजोगोनी स्टार्ट होता है, तो ये रिजर्व स्ट्रोक यहाँ पे बहुत सारे बना लेती हैं, एंड ऐसे ही ये लीवर सेल्स को जो है इन्फेक्ट करती रहती है, उनको डिस्ट्रॉय करती रहती है।
अब इस ये जो स्टेज है, इस स्टेज तक जो भी होस्ट है यानी जो भी ह्यूमन है उसको कोई हार्म नहीं होगा इस स्टेज तक, ठीक है। यहाँ पे जो पोस्ट इरिथ्रोसिटिक फेज यहाँ पे, या फिर हम बोल सकते हैं जो हिपेटिक सीजोगोनी, इस तक यहाँ पे कोई हार्म नहीं होगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें इस डायग्राम के अंदर, तो ये हमने जो दो टाइप की सेल्स यहाँ पे देखी थी, इन दो टाइप की सेल्स में से ये जो मैक्रोमेटाक्रिप्टोजोइट है इसने पोस्ट यानी नई लीवर सेल्स के अंदर एंटर कर दिया, और इसने पोस्ट इरिथ्रोसिटिक फेज ऑफ एक्सो इरिथ्रोसिटिक सीजोगोनी स्टार्ट किया था। एंड जो माइक्रोमेटा वाली है उसने रेड ब्लड सेल्स या फिर रेड ब्लड कॉर्पसल्स के अंदर एंटर किया था एंड इरिथ्रोसिटिक सीजोगोनी स्टार्ट की थी। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे फेज आया है एरिथ्रोसिटिक फेज, ठीक है। यहाँ पे एरिथ्रोसिटिक फेज स्टार्ट हो गया है जो कि माइक्रोमेटा क्रिप्टोमीरोजोइट से स्टार्ट होता है। अब यहाँ पे अलग अलग स्टेजेस आएंगी, अलग अलग स्टेजेस क्या आएंगी यहाँ पे, जैसे कि इसने एंटर किया माइक्रोमेटा क्रिप्टोमीरोजोइट ने, तो यहाँ पे स्टेजेस जैसे कि ट्रोफोजोइट स्टेज आई, सिग्नेट रिंग स्टेज आई, अमीबॉइड स्टेज आई, एरिथ्रोसिटिक सीजोंट बना, रोजिट स्टेज आई, फिर ये फाइनली मीरोजोइट बनेंगे। तो ये अलग अलग स्टेजेस यहाँ पे चलती रहेंगी, तो इन स्टेजेस को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे फर्स्ट जो है यहाँ पे इरिथ्रोसिटिक फेज का फ्लो चार्ट के अगर हम देखें, तो इरिथ्रोसिटिक सीजोगोनी या फिर इरिथ्रोसिटिक फेज जो है ये आरबीसी के अंदर चल रहा है। आरबीसी के अंदर हमने देखा था कि जो माइक्रोमेटा क्रिप्टोमीरोजोइट है ये आरबीसी के साइटोप्लाज्म के ऊपर ईट करेगा और ये ट्रोफोजोइट स्टेज के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगी। अब ये जो ट्रोफोजोइट स्टेज है ये नेक्स्ट क्या करेगी, नेक्स्ट इसके अंदर कुछ इसके करेक्टर हम देख लेते हैं। इसके अंदर वैक्यूल अपीयर होता है जिसके कारण केंद्रक जो है इसका जो न्यूक्लियस है वो एक और धकेल दिया जाता है। पहले जो है ये कंडीशन ऐसे थी, सेंटर में था न्यूक्लियस, अब वैक्यूल जो है बड़ा हो गया है, बड़ा होता जा रहा, अपीयर हो गया है। इस वैक्यूल की वजह से क्या हुआ है, न्यूक्लियस साइड में धकेल दिया जाता है यहाँ पे। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे स्टेज आती है सिग्नेट रिंग स्टेज। अब ये जो सिग्नेट रिंग स्टेज है इसके अंदर फर्दर जो इसका वैक्यूल है वो गायब हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है। और नेक्स्ट स्टेज आती है यहाँ पे अमीबॉइड स्टेज, जिसके अंदर ऐसे पाया जाता है, ये ऐसे बन जाती है, अमीबॉ शेप की बन जाती है, इरेगुलर शेप की बन जाती है, तो ये अमीबॉइड शेप बन जाती है। अब नेक्स्ट यहाँ पे क्या होगा, ये जो अमीबॉइड स्टेज है ये हीमोग्लोबिन को छोड़कर आरबीसी के साइटोप्लाज्म के ऊपर फीड करता है। सिर्फ ये हीमोग्लोबिन को डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, आरबीसीज को ये क्या करेंगे, ये फीड करेंगे, आरबीसीज के जो साइटोप्लाज्म है बाकी उसके ऊपर ये फीड करेंगे। और फीड करके नेक्स्ट ये जो हीमोग्लोबिन इकट्ठा होता जा रहा है सारा का सारा, यानी कि क्योंकि हीमोग्लोबिन के ऊपर तो ये फीड कर ही नहीं पा रहे हैं, तो हीमोग्लोबिन डिकम्पोज होके विघटित होकर एक पीले भूरे विषैले मलेरिया वर्णक यानी कि टॉक्सिक मलेरियल पिगमेंट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, जिसका नाम होता है हीमेटिन या फिर हीमोजोइन। हीमेटिन एंड हीमोजोइन के अंदर ये बदल जाता है, तो हीमोग्लोबिन डिकम्पोज होके हीमेटिन एंड हीमोजोइन एक टॉक्सिन बना लेता है। इसके बाद हीमोग्लोबिन की कमी के कारण आरबीसी पीली पड़ जाती है। साथ में यहाँ पे कुछ करेक्टरिस्टिक ग्रैन्यूल्स नजर आते हैं जिनको स्कफनर्स डॉट बोला जाता है। और अब नेक्स्ट 36 आवर्स के अंदर इरिथ्रोसिटिक सीजोंट बन जाता है। अब ये जो इरिथ्रोसिटिक सीजोंट है ये नेक्स्ट यहाँ पे क्या करेगा, ये मल्टीप्लाई करेगा एसेक्सुअली। एसेक्सुअली मल्टीप्लाई कैसे करेगा, इरिथ्रोसिटिक सीजोगोनी के थ्रू, या फिर इसको मीरोगोनी भी बोला जाता है। तो इरिथ्रोसिटिक सीजोगोनी के अंदर थ्रू ये क्या करेगा, एसेक्सुअली मल्टीप्लाई करेगा एंड अपना नंबर ये और ज्यादा बढ़ा लेगा। तो ये स्टेजेस चल रही है यहाँ पे इरिथ्रोसाइट्स यानी कि आरबीसीज के अंदर। अब नेक्स्ट यहाँ पे क्या होगा, जो ये इरिथ्रोसिटिक सीजोगोनी यहाँ पे स्टार्ट हो गई है, तो ये जो इरिथ्रोसिटिक सीजोंट है, इरिथ्रोसिटिक सीजोंट तक स्टेज आ गई थी हमारी, इरिथ्रोसिटिक सीजोंट का जो केंद्रक है, जो न्यूक्लियस है, वो डिवाइड होके 12 to 24 न्यूक्लियाई बना लेता है, या फिर हम इसको बोल सकते हैं 12 से 24 डॉटर न्यूक्लियाई ये बना लेता है। और अब इसके ये जो न्यूक्लियाई है अपने आप को नाभिक जो है सतह के निकट ये चली जाती है, यानी कि जो न्यूक्लियाई है वो सरफेस की साइड चली जाएंगी। और हिमेटिन जो बना था यानी कि जो डिकम्पोज होके हीमोग्लोबिन बना था वो केंद्र में आ जाता है, वो केंद्र में आ जाएगा डिकम्पोज होके और इकट्ठा होकर, और इसके बाहर ये जो न्यूक्लियाई बनी है वो अपने आप को अरेंज कर लेती है।
अब साइटोप्लाज्म टूटना स्टार्ट हो जाता है और ये साइटोप्लाज्म अब क्या करेगा, इनके बाहर आना स्टार्ट हो जाएगा, इन न्यूक्लियाई के बाहर आना स्टार्ट हो जाएगा और कुछ साइटोप्लाज्म बच जाएगा। वो बचा हुआ साइटोप्लाज्म क्या कहलाएगा, रेजिड्यू यानी कि अवशेष कहलाएगा। और जो कोशिका द्रव्य है प्रत्येक केंद्रक को चारों ओर से घेर लेता है, ठीक है। अब घेरने की वजह से ये जो स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं इनको बोला जाता है एक केंद्रीय पिंड यानी कि यूनि न्यूक्लिएट बॉडीज, और इनको इरिथ्रोसिटिक मीरोजोइट्स बोला जाता है। तो ये 12 to 24 इरिथ्रोसिटिक मीरोजोइट्स बन गई है। अब नेक्स्ट यहाँ पे क्या होगा, जो भी हिमेटिन था इकट्ठा हुआ था यहाँ पे, हिमेटिन था, जो भी अवशेष साइटोप्लाज्म का बचा था, जो भी और ये जैसे कि इसका मेटाबॉलिज्म भी चल रहा है उसकी वजह से भी इसके जो मेटाबोलाइट्स हैं वो सारे इकट्ठे होकर वो क्या कर लेते हैं, वो सारे अपशिष्ट साइटोप्लाज्म विषाक्त पदार्थों के चारों ओर व्यवस्थित कर लेते हैं अपने आप को। और ये जो है एक तरह से एक रोज की जो पेटल्स होती है वैसे अपने आप को ऐसे अरेंज कर लेते हैं, तो इसको रोजेट स्टेज बोला जाता है, ठीक है, इसको रोजेट स्टेज बोला जाता है। अब लगभग 48 घंटों के अंदर, अगले 48 घंटों के अंदर जो कन्निकाएं हैं यानी कि जो आरबीसीज हैं वो टूट जाती हैं, और टूटने की वजह से जो बाहर निकलते हैं उनको बोला जाता है मीरोजोइट्स, ठीक है। बाहर जो स्टेज निकलेगी उस स्टेज को बोला जाता है मीरोजोइट। तो यहाँ पे हमने स्टार्टिंग में ही देखा था जो स्पोरोजोइट है वो मीरोजोइट्स के अंदर बनते हैं, सीजोगोने के अंदर जो स्पोरोजोइट्स थे वो मीरोजोइट के अंदर बन जाते हैं। तो ये फर्स्ट फेज यहाँ पे क्या होता है, खत्म होता है। अब इसके बाद ये जो मीरोजोइट्स है नेक्स्ट यहाँ पे जो अगर हम देखें नेक्स्ट स्टेज के अंदर ये एंटर करेगा। उससे पहले ये जो मीरोजोइट्स क्या करते हैं, ये इन्वेड करते हैं फ्रेश यानी ताजा स्वस्थ आरबीसीज को और नई आरबीसीज को ये इन्फेक्ट करते हैं, एंड इस इरिथ्रोसिटिक फेज को ये क्या करते रहते हैं, रिपीट करते रहते हैं और अपना नंबर बढ़ाते रहते हैं। तो बहुत सारे मीरोजोइट्स यहाँ पे बन जाएंगे। अब नेक्स्ट यहाँ पे आता है इनक्यूबेशन पीरियड। इनक्यूबेशन पीरियड या फिर उष्मायन अवधि क्या होती है, जो इन्फेक्शन हुआ था और जो फर्स्ट मलेरियल सिम्टम आया है, ठीक है, जो इन्फेक्शन हुआ है फर्स्ट मलेरियल सिम्टम आया है, अब यहाँ पे जो ये बहुत सारी चीजें इकट्ठी हो जाती हैं, ठीक है, जैसे हिमेटिन हो गया, अपशिष्ट जो अवशेष हो गया साइटोप्लाज्म का, टॉक्सिन्स हो गए या फिर जो इन्होंने जो भी इनके मेटाबोलाइट्स हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं, और इकट्ठे होकर या ये क्या कर लेते हैं, ये बहुत सारे ये फीवर कोज करते हैं, ठीक है, इकट्ठे होकर क्या करते हैं, फीवर कोज करते हैं। यानी यहाँ पे अगर हम देखें ये साइकिल रिपीट होती जाती है, तो और ज्यादा हिमेटिन, और ज्यादा रेजिड्यू साइटोप्लाज्म, और ज्यादा टॉक्सिन्स इकट्ठे होते रहते हैं, जो कि मैन के अंदर मलेरिया को, मैन के अंदर फर्स्ट फीवर कोज करती है, और ये क्या होता है, फर्स्ट सिम्टम होता है मलेरिया का। तो उष्मायन अवधि क्या होती है, जो इन्फेक्शन और जो फर्स्ट मलेरियल सिम्टम है यानी मलेरिया का जो पहला लक्षण जो कि फीवर हुआ है उसके बीच की जो अवधि होती है उसको ही इंक्यूबेशन पीरियड बोला जाता है, और ये लगभग 10 से 17 दिन का होता है, एवरेज 14 दिन का ये होता है। तो ये इंक्यूबेशन पीरियड होता है। अब इसके बाद ये जो यहाँ पे बहुत सारी मीरोजोइट्स बन गई थी ये नेक्स्ट स्टेज के अंदर एंटर करेगी, नेक्स्ट स्टेज होगी यहाँ पे गैमोगोनी। तो यहाँ तक की स्टेजेस में हमने डिस्कस कर लिया है स्पोरोजोइट से मीरोजोइट कैसे बना। स्पोरोजोइट से मीरोजोइट बनने के लिए यहाँ पे प्री इरिथ्रोसिटिक फेज आया, पोस्ट इरिथ्रोसिटिक फेज आया, एंड इरिथ्रोसिटिक सीजोगोनी हुई। तो ये फेजेस के थ्रू यहाँ पे मीरोजोइट बन जाता है। अभी मीरोजोइट जो है नेक्स्ट एंटर करेगा गैमोगोनी के अंदर। गैमोगोनी के अंदर गैमोन्स और गैमेटोसाइट्स बनेंगे, इसके बाद गैमेटोजेनेसिस होगा, फर्टिलाइजेशन होगी, एंड ऊकाइनेट की फॉर्मेशन होगी। तो गैमोगोनी की अगर हम बात करें, सबसे पहले गैमोगोनी हमने देखा था कि मैन के अंदर स्टार्ट होगी एंड खत्म होगी मॉस्किटो के अंदर। तो मैन के अंदर गैमोगोनी के अंदर क्या होगा, जो गैमोन्स हैं या फिर गैमेटोसाइट्स हैं यानी जो सेक्सुअल फॉर्म्स हैं वो बनेंगी यहाँ पे। तो ये जो मीरोजोइट्स थी, जो भी मीरोजोइट बन गए थे यहाँ पे, ठीक है, जो मीरोजोइट बन गए थे यहाँ पे, अब ये मीरोजोइट्स क्या करेंगे, नई आरबीसीज को इन्फेक्ट करेंगे और ये इरिथ्रोसिटिक साइकिल को रिपीट करते रहेंगे। इसके बाद ये मीरोजोइट्स गैमोन्स और गैमेटोसाइट्स यहाँ पे बना लेते हैं, ठीक है, मेल गैमेटोसाइट बनाते हैं, फीमेल गैमेटोसाइट यहाँ पे बनाते हैं।
और ये जो गैमोट्स और गैमेटोसाइट्स हैं, ये सघन यानी कि कॉम्पैक्ट राउंडेड बॉडीज होती हैं जिसके अंदर वैक्यूल्स का अभाव होता है एंड ये ग्रो करती हैं स्लोली। ठीक है, अब ये बन गए यहाँ पे गैमोन्स या फिर गैमेटोसाइट्स। अब ये जो गैमोन्स और गैमेटोसाइट्स हैं, नेक्स्ट ये वेट करेंगे कि इनका जो वेक्टर होस्ट है यानी कि जो फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो है वो इनको इंजेस्ट करें, और ये तब तक ये अनडिवाइडेड रहते हैं। अब अनडिवाइडेड क्यों रहते हैं? क्योंकि जो ह्यूमन ब्लड का जो टेम्परेचर है वो यहाँ पे फेवरेबल नहीं होता है इनके नेक्स्ट डिवीजन के लिए, फिर इनके नेक्स्ट ग्रोथ के लिए, तो इस वजह से ये अनडिवाइडेड रहती है। अब दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो किसी फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो ने इनको इंजेस्ट कर लिया यानी कि ब्लड के साथ इनको ले लिया, या तो ये क्या हो जाएंगे कुछ दिन बाद यहाँ पे ये डाई ऑफ हो जाएंगे। तो अगर यहाँ पे नेक्स्ट किसी फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो ने इनको इंजेस्ट कर लिया, कैसे इंजेस्ट करेंगी? जैसे ही वो ब्लड को क्या करने के, ब्लड को सक करेंगी और ब्लड के अंदर यहाँ पे बहुत सारे गैमोन्स और गैमेटोसाइट्स होंगे, वो भी इंजेस्ट हो जाएंगे एंड वो पहुंच जाएंगे एलिमेंट्री कनाल के अंदर, और हम बोल सकते हैं कि सारे के सारे इसके डाइजेस्टिव ट्रैक के अंदर पहुंच जाएंगे। और फिर नेक्स्ट यहाँ पे इसकी जो ये गैमोन्स एंड गैमेटोसाइट से इसकी जो डेवलपमेंट है वो रिज्यूम होगी, आगे जाके गैमेटोजेनेसिस होगा। तो ये होता है सबसे फर्स्ट मैन के अंदर। अब ये जो गैमेटोसाइट्स हैं या फिर जो गैमोन्स हैं, ये दो टाइप के होते हैं, एक होता है माइक्रो गैमेटोसाइट्स और एक होता है मैक्रो गैमेटोसाइट्स। माइक्रो गैमेटोसाइट्स जो है इसको नर गैमेटोसाइट्स, और मैक्रो गैमेटोसाइट्स को महिला यानी कि फीमेल गैमेटोसाइट बोला जाता है। जो माइक्रोगेमेटोसाइट है आगे जाके माइक्रोगेमेट यानी कि मेल गैमेट की फॉर्मेशन करेगा, एंड मैक्रोगेमेटोसाइट्स आगे जाके फीमेल गैमेट की फॉर्मेशन करेगा। ये जो माइक्रोगेमेटोसाइट्स है ये स्पष्ट कोशिका द्रव्य क्लियर साइटोप्लाज्म का होता है, और यहाँ पे केंद्र में एक केंद्रक पाया जाता है, और ये छोटे होते हैं एंड फ्यू होते हैं नंबर के अंदर, जबकि मैक्रोगेमेटोसाइट साइज में बड़े होते हैं, अधिक संख्या होते हैं और छोटे सघन पाए जाते हैं ये। ठीक है, और इसके अलावा बाह्य रूप से स्थित इनके अंदर नाभिक पाया जाता है, इनके अंदर केंद्र में पाया जाता है, इनके अंदर बाह्य रूप से पाया जाता है। तो ये माइक्रोगेमेटोसाइट्स एंड मैक्रोगेमेटोसाइट्स हो गए। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे क्या होगा, गेमोगोनी होगी मॉस्किटो के अंदर, फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो के अंदर। तो सबसे पहले यहाँ पे ट्रांसफर होगा मॉस्किटो के अंदर। ठीक है, सबसे पहले ट्रांसफर होगा मॉस्किटो के अंदर। मॉस्किटो के अंदर ट्रांसफर होने के लिए जो गैमेटोसाइट्स हैं, अब ये जो गैमेटोसाइट्स हैं ये मादा एनोफ्लीज मॉस्किटो द्वारा इंजेस्ट किए जाते हैं। जैसे हमने देखा था कि जैसे यहाँ पे स्पोरोजोइट्स आए थे, वैसे ही ये क्या कर रही है, ये ब्लड तो ले रही है, ब्लड के साथ यहाँ पे क्या ले रही है, जो इसके अंदर गैमेटोसाइट्स या फिर गैमोन्स पाए जा रहे हैं उनको भी इनटेक कर रही है। अब ये स्टमक के अंदर चले जाएंगे, और गैमेटोसाइट्स को छोड़कर जो भी स्टेजेस होती है, ऐसा तो है नहीं जब इसने ब्लड लिया ब्लड के अंदर एक ही स्टेज थी, ब्लड के अंदर और भी सारी स्टेजेस थी, तो सारी स्टेजेस यहाँ पे डाइजेस्ट कर ली जाएंगी जो भी स्टमक के एंजाइम है उनके थ्रू, सिर्फ यहाँ पे गैमेटोसाइट्स या फिर गैमोन्स बच जाएंगे। अब आरबीसीज ब्रेक हो जाती है एंड जो गैमोन्स और गैमेटोसाइट्स है वो फ्री हो जाते हैं। फ्री होने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट ये स्टमक के अंदर फ्री हो जाएंगे, एंड फ्री होने के बाद ये गैमीट्स यानी कि युग्मक के अंदर डिवेल्प होते हैं, विकसित होते हैं। अब ये जो डिवेलपमेंट होती है, इस डिवेलपमेंट के अंदर फर्दर यहाँ पे आएगा गैमेटोजेनेसिस एंड फर्टिलाइजेशन, ये दो स्टेजेस होती है डिवेलपमेंट ऑफ गैमेटोसाइट्स इनटू गैमेट्स। तो सबसे पहले अगर हम बात करें गैमेटोजेनेसिस की, गैमेटोजेनेसिस क्या होता है, गैमेट की फॉर्मेशन, तो यहाँ पे माइक्रोगैमेट्स की फॉर्मेशन होगी और मैक्रोगैमेट्स की फॉर्मेशन होगी, और इसके बाद इन गैमेट्स की फॉर्मेशन के बाद यहाँ पे इनका फ्यूजन होगा, दैट इज फर्टिलाइजेशन होगी। सबसे फर्स्ट यहाँ पे आएगा माइक्रोगैमेट्स की फॉर्मेशन कैसे होगी, नहीं मेल गैमेट की फॉर्मेशन कैसे होगी, ये हमने देखा था। मेल गैमेटोसाइट है, मेल गैमेटोसाइट ने एंट्री की मॉस्किटो के अंदर। अब ये जो है कॉर्पसल से फ्री होगा, क्योंकि कॉर्पसल्स डाइजेस्ट कर ली जाएंगी, और फिर मेल गैमेट की फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगी। अब ये मेल गैमेट के अंदर जो न्यूक्लियाई होगी, जो न्यूक्लियस होगा वो भी डिवाइड करेगा, एंड इसके अलावा इसके अंदर ये 6 to 8 ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होंगे जो कि इससे बाहर निकलेंगे। बाहर निकलकर जो भी रेजिडुअल साइटोप्लाज्म होगा उसके चारों तरफ ये अपने आप को
अरेंज कर लेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले जो माइक्रोगैमिट होते हैं, माइक्रोगैमिट जो है ये 6 to 8 हैप्लोइड यानी गुणित नर युग्मक यानी कि माइक्रोगैमिट गिव राइज करते हैं। इन माइक्रोगैमिट का जो न्यूक्लियस है वो एक्टिव होता है, एक्टिव होने की वजह से ये डिवाइड करता है माइटोटिकली, एंड माइटोटिकली डिवाइड करके 6 से 8 संतति केंद्रक यानी कि डॉटर न्यूक्लियाई गिव राइज करता है। ठीक है, 6 से 8 डॉटर न्यूक्लियाई ये गिव राइज करेगा। अब इसके बाद जो 6 से 8 फ्लैजेलम कशापिका जैसे साइटोप्लाज्म के लंबे धागे यानी कि फ्लैजेलम लाइक थ्रेड्स होंगे जो कि माइक्रोगैमिटोसाइट्स की सतह से बाहर निकलेंगे, जो भी माइक्रोगैमिटोसाइट्स था उसकी सतह से ये बाहर निकलेंगे। और बाहर निकलने के बाद नेक्स्ट यहाँ पे क्या होगा, जो हर एक डॉटर न्यूक्लियाई थी जो कि 6 से 8 थी, ठीक है, अभी 6 से 8 कशापिका यानी फ्लैजेलम लाइक थ्रेड है वो भी क्या हो जाएंगे, वो भी उनके वो जो डॉटर न्यूक्लियाई उनके बाहर साइटोप्लाज्म आ करके और ये ऐसे 6 से 8 फ्लैजेलम लाइक धागों में बदल जाते हैं। ये जो फ्लैजेलम लाइक धागे इनके अंदर ये बदल जाएंगे और ये बीच में रेजिड्यूल साइटोप्लाज्म यहाँ पे बचा हुआ है, इन्हीं को मेल गैमिट या फिर माइक्रोगैमिट बोला जाता है। और ये जो मेल गैमिट्स हैं ये रेजिडियल साइटोप्लाज्म से जुड़े हुए होते हैं एंड बाद में क्या हो जाते हैं, ये फ्री हो जाते हैं और ये लैशिंग मूवमेंट करते हैं यानी कि क्रीपिंग टाइप की लैशिंग मूवमेंट करते हैं, चाबुक चलाने जैसी ये हरकत करते हैं और ये वेट करते हैं फीमेल गैमिट का या फिर फीमेल गैमिट की तलाश में निकल जाते हैं। अब ये जो प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा फास्ट एंड सडन होती है, बहुत ज़्यादा सडन होती है, अचानक से होती है, बहुत ज़्यादा फास्ट होती है, इसके अलावा बहुत ज़्यादा वायलेंट टाइप से होती है, इसलिए इसको एक्सफ्लेजलेशन बोला जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे मैक्रोगैमिट और फीमेल गैमिट्स की फॉर्मेशन के लिए, तो जो भी मैक्रोगैमिटोसाइट था, मैक्रोगैमिटोसाइट अब क्या करेगा, ये मैच्योर होगा, परिपक्व होगा एंड जो एब्सिस्ट साइटोप्लाज्म है वो भी यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है हमें, रेजिडियल जो भी साइटोप्लाज्म है। अब रेजिडियल साइटोप्लाज्म क्या करेगा, पोलार बॉडी के अंदर बन जाएगा और जो मैक्रोगैमिटोसाइट्स हैं वो हैप्लोइड फीमेल गैमिट यानी ओवम के अंदर बदल जाएंगे। और ये जो फीमेल हैप्लोइड ओवम है ये क्या करेगा, ये नेक्स्ट जो है फर्टिलाइजेशन शो करेगा। तो नेक्स्ट यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होती है स्टमक के अंदर, ठीक है, स्टमक के अंदर ही फर्टिलाइजेशन होती है, निषेचन होता है। तो इसके अंदर अब नेक्स्ट क्या होगा, यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे जो फीमेल गैमिट था यानी कि जो ओवम है वो अपने ऊपर एक स्मॉल प्रोजेक्शन बना लेता है, ठीक है, अपने ऊपर एक स्मॉल प्रोजेक्शन ये बना लेता है, ऐसे प्रोजेक्शन लाइक स्ट्रक्चर ये बना लेता है। इस प्रोजेक्शन लाइक स्ट्रक्चर को कोन ऑफ रिसेप्शन बोला जाता है, ठीक है, कोन ऑफ रिसेप्शन बना ली यानी कि यहाँ पे मेल गैमिट रिसेप्ट होगा, यहाँ पे रिसीव होगा, तो कोन ऑफ रिसेप्शन यहाँ पे बन गई है। अब जो मेल गैमिट है, मेल गैमिट इस कोन ऑफ रिसेप्शन को पेनिट्रेट करेगा, ठीक है, ये पेनिट्रेट यहाँ पे कर रहा है इस डायग्राम में, ये इसको पेनिट्रेट कर रहा है कोन ऑफ रिसेप्शन को एंड इसके अंदर फिर फ्यूजन होगा, इनके जो न्यूक्लियस है वो फ्यूज करेंगे, निषेचन होगा, फिर फर्टिलाइजेशन होगा या फिर सिनगैमी होगी। और ये जो सिनगैमी होती है वो एनआइसोगैमस टाइप की होती है, ठीक है, ये जो सिनगैमी होती है वो एनआइसोगैमस टाइप की होती है, यानी कि एनआइसोगैमस का मीनिंग हो गया कि जो मेल गैमिट और फीमेल गैमिट है वो सिमिलर नहीं है, वो अलग अलग है, जैसे कि माइक्रोगैमिट है वो छोटा है, मैक्रोगैमिट है वो बड़ा है, तो दोनों डिसिमिलर गैमिट्स हैं, दोनों डिसिमिलर गैमिट्स जब फ्यूज करते हैं इसको एनआइसोगैमस टाइप की सिनगैमी बोला जाता है। तो फ्यूजन के बाद, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनता है जो कि गोल होता है और मोशनलेस यानी कि गतिहीन होता है। ये जाइगोट यहाँ पे बन गया है स्टमक के अंदर जो कि कैसा होता है, गोल होता है और गतिहीन होता है, ये अभी मूवमेंट नहीं कर पाता है। इसके बाद नेक्स्ट जो स्टेज होगी, नेक्स्ट स्टेज के अंदर ये जो जाइगोट था जो कि गोल और गतिहीन था वो एक लंबा क्रीमी जैसा यानी वॉर्म लाइक गतिशील यानी मोटाइल ग्लाइडिंग मूवमेंट करने वाला एक वॉर्म लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, ठीक है, ऐसा टाइप का स्ट्रक्चर बन जाता है। और इसी टाइप के स्ट्रक्चर को बोला जाता है ऊकाइनेट और वर्मिक्यूल, यानी ये एक सक्रिय युग्मनज यानी कि एक्टिव जाइगोट होता है। और ये एक्टिव जाइगोट अब नेक्स्ट क्या करेगा, जो इसके जो स्टमक की वॉल है, ये जो है स्टमक की वॉल है, इसको पेनिट्रेट करके इसकी स्टमक की वॉल को पायर्स करता है और फिर रेस्ट करता है इसकी सबसे भारी परत के नीचे।
ठीक है, अब ये चला गया है रेस्ट के अंदर, जो आउटर मोस्ट लेयर है उसके नीचे। अब ये जब रेस्ट पे गया है तो इसने मूव करना बंद कर दिया है, ये गोलाकार बन गया है, ठीक है, ये जो है ये चला गया है यहाँ पे, ये गोलाकार बन गया है। सिस्ट वॉल इसके बाहर आ जाती है और एक पतला लोचदार इलास्टिक और परमिएबल ये सिस्ट वॉल होती है, इसे ये घिर जाता है। तो ये सिस्ट वॉल आ गई है और ये स्फेरिकल हो गया है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे क्या होगा, इसको ओसिस्ट या फिर स्पोरोंट बोला जाता है, जो क्या है डिप्लोइड ही है अभी तक। तो ये बन गया है यहाँ पे ओसिस्ट या फिर स्पोरोंट। यहाँ पे अगर हम देखें, स्टमक हो गई, इसोफेगस हो गया, स्टमक हो गया, इंटेस्टाइन हो गया, तो इस स्टमक के ऊपर बहुत सारे ओसिस्ट यहाँ पे पाए जा रहे हैं, ओसिस्ट यहाँ पे रेस्ट कर रहे हैं, यानी स्पोरोंट यहाँ पे रेस्ट कर रहे हैं। अब नेक्स्ट ये ऊसिस जो है, इनका न्यूक्लियस अब क्या करेगा, एक्टिव होगा एंड डिवाइड करना स्टार्ट कर देगा। तो यहां तक हमने देख ली है, ये स्टेजेस यहां तक आ गई है, ऊसिस यहाँ पे बन गया है। ऊसिस से अब ये जो इसके न्यूक्लियाई है वो डिवाइड करना स्टार्ट होगी, साइटोप्लाज्म भी डिवाइड करेगा, यानी न्यूक्लियाई के बाहर आ जाएगा, और नेक्स्ट ये जो स्ट्रक्चर है ये बन जाएगा स्पोरोजोइट। तो नेक्स्ट यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी स्पोरोगोनी, यहाँ तक ये ओकाइनेट की फॉर्मेशन हो चुकी है, यानी गैमोगोनी यहाँ पे खत्म हुआ। नेक्स्ट यहाँ पे स्पोरोगोनी यानी कि ए सेक्सुअल मल्टीप्लीकेशन, जो कि फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो के अंदर होती है, वो स्टार्ट होगी यहाँ पे। तो स्पोरोगोनी के अंदर अब क्या होगा नेक्स्ट, जो ओसिस्ट था, जो यहाँ पे ये ओसिस्ट बन गया था जिसके बाहर एक सिस्ट वॉल पाई जा रही थी, ये ग्रो करेगा, ग्रो करने के बाद ये ए सेक्सुअल मल्टीप्लीकेशन करेगा, एंड इसी ए सेक्सुअल मल्टीप्लीकेशन को ही स्पोरोगोनी बोला जाता है। अब इसका ओसिस्ट का जो न्यूक्लियस है वो न्यूक्लियस क्या हो जाएगा, वो न्यूक्लियस डिवाइड करेगा एक्टिव होके, और डिवाइड करके पहले मियोसिस करेगा, मियोसिस की वजह से ये जो डिप्लोइड था वो क्या हो जाएगा, अब हैप्लोइड हो जाएगा, और रिपीटेड माइटोसिस करेगा, इसके बाद ये अपना नंबर बढ़ाएगा। तो मियोसिस एंड माइटोसिस की वजह से ये नेक्स्ट क्या बन जाएंगे, बहुत ज्यादा संख्या में डॉटर सेल्स, डॉटर न्यूक्लियाई ये बना लेंगे, ठीक है, बहुत सारी संख्या में डॉटर न्यूक्लियाई ये बना लेते हैं। ये मियोसिस जो है जाइगोट बनने के बाद हुई है, तो इसको पोस्ट जाइगोटिक टाइप की मियोसिस भी बोला जाता है। तो मियोसिस हुई, माइटोसिस हुई, बहुत सारी डॉटर न्यूक्लियाई यहाँ पे बन गई, और अब डॉटर न्यूक्लियाई बनने के बाद यहाँ पे जो साइटोप्लाज्म है उससे ये घिर जाएंगी, जो भी साइटोप्लाज्म है वो इनको घेर लेगा, एंड ये स्ट्रक्चर बन जाएंगे स्पोरोजोइट, ठीक है, स्पोरोजोइट यहाँ पे बन गए हैं। अब ये जो स्पोरोजोइट है वॉल, सिस्ट वॉल को ब्रेक करेंगे एंड ये निकल जाएंगे बाहर, और निकलने के बाद ये चले जाएंगे मॉस्किटो की पूरी बॉडी के अंदर, एंड स्पेसिफिकली ये चले जाएंगे सेलिवरी ग्लैंड यानी लार ग्रंथि के अंदर, क्योंकि नेक्स्ट जब इसको किसी और ह्यूमन को इन्फेक्ट करना होगा तो ये नेक्स्ट क्या करेगा, जब भी स्लाइवा इंट्रोड्यूस करवाएगा तो वही स्लाइवा क्या होगा, उसी के अंदर हजारों स्पोरोजोइट पाए जाएंगे। तो नेक्स्ट यहाँ पे क्या होगा, अब जो भी स्पोरोजोइट बन चुके हैं, ठीक है, स्पोरोजोइट बन गए हैं, अब ये जो स्पोरोजोइट है उस सिस्ट को रप्चर करेंगे, उस सिस्ट की वॉल को रप्चर करेंगे और ये रिलीज हो जाएंगे, और रिलीज होने के बाद ये विभिन्न अंगों में चले जाते हैं मॉस्किटो के, अधिकतर क्या है सेलिवरी ग्लैंड यानी लार ग्रंथियों में चले जाते हैं, और वहां पे जाने के बाद ये मच्छर के काटने पर मनुष्य के रक्त में उनके इनका ट्रांसफर करने की प्रतीक्षा करते हैं, ठीक है, वहां पे वेट करते हैं कि दोबारा से जब फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो ह्यूमन को बाइट करे तो वापिस से उसके स्लाइवा के थ्रू ये क्या चले जाएं, ये ह्यूमन बींग के अंदर चले जाएं, एंड जो स्पोरोजोइट से नेक्स्ट मीरोजोइट की ये साइकिल को कंप्लीट करें। तो ये साइकिल जो है इसके अंदर चलती रहती है। तो ये स्पोरोगोनी यहाँ पे हो गया। तो ये अलग अलग फेजेस यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिए है, ए सेक्सुअल साइकिल थी मैन के अंदर, एंड सेक्सुअल साइकिल थी फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो के अंदर। इसके बाद अगर हम बात करें, जो एक इन्फेक्टेड फीमेल मॉस्किटो होती है उसके अंदर लगभग 2 लाख तक स्पोरोजोइट होते हैं, इसकी सेलिवरी ग्लैंड के अंदर 2 लाख तक स्पोरोजोइट होते हैं, और जब ये एक बाइट करता है तो अबाउट 1000 स्पोरोजोइट जो है वो ह्यूमन के ब्लड के अंदर एंटर करवाता है स्लाइवा के थ्रू, और जो एक मॉस्किटो है इसके अंदर 2 to 4 weeks लग जाते हैं इस साइकिल को कंप्लीट होने में, ये जो साइकिल है इस साइकिल को कंप्लीट होने में 2 to 4 weeks लग जाते हैं। तो यहाँ तक हमने इसकी पूरी फुल साइकिल के बारे में डिस्कस कर लिया है। तो प्लाज्मोडियम वाइवैक्स के अलग अलग स्टेजेस के थ्रू हमने इसकी लाइफ साइकिल को यहाँ पे डिस्कस किया है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।